दोस्तों आप जुड़े हुए हैं अपने दोस्त कांतिलाल आदिवासी के साथ कोटड़ा टाइम्स न्यूज चैनल में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फिलहाल 9:53 हो चुकी है रात की, और मैं वहीं पर बाखिल पंचायत के खारावाली क्षेत्र में पहुंच चुका हूं, और वहां पर एक युवा है, उनसे मैं बातचीत करना चाहूँगा। राजू भाई, तो उनसे कुछ बातचीत करना चाहूँगा। आप जुड़े रहे अपने दोस्त कांतिलाल आदिवासी के साथ। नमस्कार। नमस्कार। तो राजू भाई, ये यहाँ पर जो है, ये मतलब आप रात को भी यहाँ पर ठहरे हुए, क्यों ठहरे हुए, क्या परेशान है आपको? परेशानी तो कोई नहीं है। कल आदिवासी जमीन बसाओ महान महासम्मेलन रखा हुआ है, तो जो टेंट की व्यवस्था है वो मैं स्थानीय होने के नाते सबसे पहले तो मेरी जिम्मेदारी बनती है, मेरा फर्ज बनता है, इसलिए मैं यहाँ रुका हुआ। तो आदिवासी महापंचायत आयोजित करने के पीछे क्या वजह है, क्या परेशान है आप रात तक यहाँ पर, ये जो काम है जा रही है अभी भी? परेशानी तो ये है कि जो सक्षाण मारिया बुजा जो दो बांधों की घोषणा हुई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने करी, उसको देखते हुए विस्थापित होने का खतरा है हमारे समाज को और मुझे भी, इसलिए आज रात भर में ये जो टेंट का काम है सुबह नहीं लगा पाने के कारण अभी जो कार्य चालू है। तो चकचाण मारिया और बूजा के विरोध में लगातार रात दिन अनिश्चितकालीन धरना कोटड़ा में भी चल रहा था, तो उस वक्त क्या आश्वासन दिया था जो सरकारी कर्मचारी, कलेक्टर साहब भी आए थे, तो उन्होंने क्या बोला था? कलेक्टर ने तो कहा था कि आप जो आपकी एक तो पंचायत स्तरीय कमेटी गठित करो और एक जिला स्तरीय की कमेटी की गठित करो। तो कहीं ना कहीं हमें भी ये डर था कि जो कमेटी गठित करके उसके बाद हमारा को कहीं ना कहीं फंसा दिया जाएगा, यूं करके उन डर की वजह से हमने कमेटी गठित नहीं करी और लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि बांध को निरस्त करो निरस्त करो। अभी आज तक कोई सरकार ने हमें कोई ऐसा कोई जवाब नहीं दिया है कि बांध निरस्त हो ऐसा। तो इसी वजह से आपको थक हार कर रात दिन आज भी आपको डूबने का जो डर है, चिंता है, इसी वजह से रात तक इस काम को जारी रखा है ना? बिल्कुल बिल्कुल साहब, देखो इतना अभी तक सरकार ने हमें तो ना तो अल्टीमेटम दिया है ना कुछ नहीं। अगर विस्थापित हो जाते हैं तो हमारे लिए पुनर्वास की क्या व्यवस्था है? सरकार को सबसे पहले तो हमारी पुनर्वास को देखने होगा कि भाई हम जमीन के बदले जमीन, मकान के बदले मकान, ये भी तो व्यवस्था है। आज तक हमारे सरकार ने हमारे बीच में आके ना तो हमारे से कोई वार्ता हुई है सही ढंग से, ना कुछ नहीं, लगातार धरने हुए और धरने भी ऐसे रहे कि वो ना के बराबर धरने रहे। नहीं तो राजू भाई, पहले भी कोटड़ा क्षेत्र में बहुत सारे डैम बने हुए हैं, आप उन लोगों से मिले भी होंगे जो विस्थापित हुए हैं, तो उनसे उनसे आपने पूछा था क्या, कभी आपको मुआवजा मिला है पहले, सरकार ने दिया है कोई मुआवजा? नहीं, इससे पहले हमने ये जो साबरमती बांध बना उसमें लोग विस्थापित हुए थे, वहाँ हमने जाके एक वीडियो बनाया, उन लोगों को बांध बनने के बाद 7 साल बाद उन लोगों को मुआवजा मिला था। तो वो कहीं ना कहीं हमें भी वो डर है कि अगर बात बन जाता है और 7 साल बाद मुआवजा मिलता है तो कहीं ना कहीं आने वाले जो हमारे आदिवासी समाज के लिए एक हानिकारक चीज है। तो हम सरकार से ये अनुरोध करेंगे कि भाई पहले हमारी व्यवस्था करें या बांध को निरस्त किया जाए। तो कल 28 फरवरी को लोग जो है कहाँ कहाँ से आने वाले, आप बता सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से? देखो आजकल सारा ऑनलाइन सिस्टम है, हमने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप के माध्यम से हमने सारा मामला ऑनलाइन कर दिया है। जहाँ तक हमारा ये मैसेज आप तक कोटा टाइम्स के माध्यम से पहुँचाना चाहते हैं कि पूरे बिल प्रदेश के आदिवासी जितने भी आदिवासी हैं वो आने वाले हैं और पूरा बिल प्रदेश का कारवा आएगा यहाँ। तो जैसे आप यहाँ पर फिलहाल अकेले इस काम को करने में डटे हुए हैं, बाकी स्थानीय लोग अभी भी सो रहे हैं, तो उन्हें आप इस वीडियो के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके कोटा टाइम्स के वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि पार्टी अपने स्तर पे है, सबसे पहला समाज है, समाज को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो मेरा वीडियो आप देख रहे हो उसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सुबह आने का काम करें। इसी आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार, शुभकामनाएं। तो दोस्तों ये थे बाखिल पंचायत के खारावाली क्षेत्र के राजू भाई, जिनके साथ आप लाइव जुड़े हुए थे।
और उनसे काफ़ी जाना यहाँ के बारे में। रात तक यहाँ पर जो काम में डटे हुए हैं जा रही है यहाँ का काम आदिवासी महापंचायत का, और कल जल्द से जल्द महापंचायत आयोजित होने जा रही है, जब आदिवासी जमीन बचाओ महापंचायत। तो आप भी जुड़े हुए थे अपने दोस्त कांतिलाल आदिवासी के साथ। नमस्कार।